हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई, अभी हम जो वीडियो कर रहे हैं वो है नथुराम गोडसे की अंतिम भाषण, व्हाई आई किल्ड गांधी नथुराम गोडसे। तो ये उनका अंतिम भाषण, लास्ट जो उन्होंने बोला होगा वो है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक जो मूवी रिलीज होनी थी मिस्टर गोडसे की वर्सेस गांधी, उसका क्या हो रहा है ये देखना है हमें। बताओ, अगर आपने देख ली है कैसी थी मूवी, इज इट वर्थ वॉचिंग? नहीं है कि उन्होंने सच्चाई दिखाई कि वहां पे भी उन्होंने गड़बड़ कर दी, जैसे आपके कई कमेंट्स में आ रहा था, वो जरूर शेयर करना, बताओ ना उसके बारे में, ताकि अगर लग वाकई अच्छी हुई तो हम भी देखेंगे। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। मतभेद था तथा अब तक है, ये मेरे 28 फरवरी 1935 के सावरकर के नाम पत्र से भली भांति विदित होता है। आज भी मेरे वही विचार है। गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी। लोग कहते हैं कि पाकिस्तान योजना में उनका मन शुद्ध था। मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ न था। मुझे इस कारण हाथ उठाना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उनके उत्तरदायी केवल गांधी जी थे। मुझे ये पता था कि हत्या के बाद लोगों के विचार मेरे विषय में बदल जाएंगे, समाज में मेरा जितना आदर है वो नष्ट हो जाएगा। मैं जानता था कि समाचार पत्र बुरी तरह मेरी निंदा करेंगे, किंतु मैं नहीं जानता था कि अखबार इतने पतित हो जाएंगे कि सत्य का गला घोंट देंगे। समाचार पत्रों ने कभी निष्पक्षता से नहीं लिखा। यदि वे देश के हित का अधिक ध्यान रखते और एक मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छाओं को कम ध्यान देते तो देश के नेता पाकिस्तान स्वीकार न करते। समाचार पत्रों की ये नीति थी कि लीडरों की गलतियों को प्रकट न होने दिया जाए। देश का विभाजन इससे सरल हो गया। ऐसे भ्रष्ट समाचार पत्रों के डर से मैंने अपने निश्चय की दृढ़ता को विचलित नहीं होने दिया। कुछ लोग कहते हैं कि यदि पाकिस्तान न बनता तो आजादी न मिलती। मैं इस विचार को ठीक नहीं मानता। लीडरों ने अपने पाप को छिपाने के लिए ये बहाना बनाया है। गांधीवादी कहते हैं कि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य पाया। यदि उन्होंने अपनी शक्ति से स्वराज्य लिया है तो उन्होंने हारे हुए अंग्रेजों को पाकिस्तान की शर्त क्यों रखने दी और शक्ति से क्यों न रोका? जो हार गए। मेरे विचार से महात्मा और उनके अनुयायियों की एक ही पॉलिसी रही, और वो ये कि पहले यवनों की मांग पर विरोध दर्शाना, फिर हिचक दिखाना और अंत में आत्मसमर्पण कर देना। इसी प्रकार पाकिस्तान की रूपरेखा स्वीकार कर ली गई। 15 अगस्त 1947 को छलपूर्वक पाकिस्तान स्वीकार कर लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। देश के टुकड़े करके एक मजहबी धर्मनिष्ठित मुस्लिम राज्य बना दिया गया। मुसलमानों को अपने अराष्ट्रीय कार्यों का फल पाकिस्तान के रूप में मिल गया। गांधीवादी नेताओं ने उन लोगों को देशद्रोही, सांप्रदायिक कहकर पुकारा जिन्होंने पाकिस्तान का विरोध किया था, और पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करके जिना की सब बात मान ली। इस दुर्घटना से मेरे मन की शांति भंग हो गई। पाकिस्तान बनाने के बाद कांग्रेस सरकार पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा करती तो मेरा क्रोध शांत हो जाता। मैं नहीं देख सकता था कि जनता को धोखा दिया जाए। करोड़ों हिंदुओं को मुसलमानों की दया पर छोड़कर गांधीवादी कहते रहे कि हिंदुओं को पाकिस्तान से नहीं आना चाहिए और वही रहना चाहिए। इस प्रकार हिंदू मुसलमानों के चंगुल में फंस गए और विकट विपत्तियों के शिकार हुए। जब मुझे इन घटनाओं की याद आती है तो मैं कांप उठता हूं। प्रतिदिन सहस्त्रों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोलियों से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके जुलूस निकाले गए।
उनको पशुओं के भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को धर्म बचाकर भागना पड़ा। 40 मील लंबा हिंदू निराश्रितों का जत्था हिंदुस्तान की ओर आ रहा था। हिंदुस्तान शासन इस भयानक कृत्य का कैसे भयानक निवारण करता था? उन निराश्रितों को वायुयान से रोटियां फेंकता। सच बोल रहे हैं जो उनके टाइम में उन्होंने खुद बोला। भारत सरकार पाकिस्तान से अत्याचार रोकने के लिए अनुरोध करती या धमकी देती कि यदि पाकिस्तान में अत्याचार बंद नहीं हुआ तो भारत में भी मुसलमानों की बुरी दशा होगी, तो इतने अत्याचार न होते। भारत सरकार गांधी जी के इशारों पर चलती थी और उसकी नीति कुछ और ही थी। यदि पाकिस्तान के हिंदुओं की रक्षा के लिए समाचार पत्र कुछ लिख देते थे तो ये अर्थ लिया जाता था कि वे हिंदू मुसलमान में मतभेद फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे कार्यों को अपराध माना जाने लगा और प्रेस इमरजेंसी एक्ट की धाराएं लागू करके एक के बाद एक दूसरी जमानत मांगी जाने लगी। मुझे भी अनेक नोटिस मिले और 16,000 रुपए की सुरक्षित निधि तक मांगी गई। श्री मोरारजी देसाई के न्यायालय बयान के अनुसार ऐसी 900 घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, जब प्रेस प्रतिनिधि मंडल मोरारजी से मिलने गया तो उन्होंने उनकी एक न सुनी। इस प्रकार मुझे आशा न रही कि गांधीवादी कांग्रेस सरकार पर शांतिमय ढंग से दबाव डाला जा सकता है। जब इस प्रकार की घटनाएं हो रही थी तब पाकिस्तान या मुसलमानों के विरुद्ध गांधी जी ने एक भी शब्द नहीं कहा। हिंदू जाति और संस्कृति को मिटाने के लिए मुसलमानों ने जो अत्याचार किए उनका मूल कारण गांधी है। यदि भारत की राजनीति को भली भांति संभाला जाता तो ऐसा हिंदू संहार कभी न होता जैसा अब हुआ और जिसका उदाहरण इतिहास में कहीं नहीं मिलता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुसलमानों से संबंध रखने वाली समस्याओं में गांधी जी ने कभी जनता के विचारों की ओर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी की अहिंसा की आड़ में इतना रक्तपात हो चुका था कि जनता पाकिस्तान के पक्ष में किसी भी विचार का स्वागत करने के लिए तैयार न थी। स्पष्ट था कि जब तक पाकिस्तान में धर्मांध मुसलमान राज्य है तब तक भारत में शांति नहीं हो सकती। फिर भी गांधी जी इस प्रकार का प्रचार कर रहे थे और इस तरह के विचार पाकिस्तान के पक्ष में फैला रहे थे, जैसा कर सकने में कोई कट्टर लीगी नेता भी सफल न हो पाता। इन्हीं दिनों में उन्होंने आमरण अनशन की घोषणा करते हुए जो शर्तें रखी वे सब भी केवल हिंदुओं के विरुद्ध और मुसलमानों के पक्ष में थी। कौन सी शर्तें रखी थी? गांधी जी के अनशन की जो शर्तें थी उनमें पहली ये थी कि दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए। क्यों? और मस्जिदें मुसलमानों को सौंप दी जाए। गांधी जी ने अपनी शर्त सरकार और अन्य नेताओं को अनशन की धमकी देकर स्वीकार कराई। क्यों? जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मैं दिल्ली में था। मैंने देखा कि किस प्रकार गांधी जी की जिद को पूरा किया गया। वे शीत के दिन थे, गांधी जी ने अनशन खोला, उस दिन वर्षा हो रही थी। ऐसी असाधारण सर्दी और वर्षा में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय निराश्रित शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से सर्दी के मारे कांपते हुए निकाले गए। क्यों? उनकी रक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया गया। कुछ शरणार्थी जो कुटुंब और स्त्रियों सहित बिरला हाउस गए और उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी हमें स्थान दो। उस भव्य भवन में रहने वाले गांधी तक उन निराश्रितों की आवाज नहीं पहुंची। अपने भवन में रख लो। मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, जिसे देखकर कठोर से कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल जाता। मेरे मस्तिष्क में इससे अनेक विचार आने लगे। मैंने सोचा कि क्या शरणार्थियों ने प्रसन्नता से इन मस्जिदों में डेरे डाले थे? नहीं, गांधी को भी उन स्थितियों का पूरा पता था जिनसे बाध्य होकर
उन्हें अपने घर छोड़कर इन मस्जिदों की शरण लेनी पड़ी। पाकिस्तान में एक भी मंदिर या गुरुद्वारा सुरक्षित नहीं रहा। शरणार्थियों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस प्रकार मुसलमानों ने केवल हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों को अपवित्र किया। जो हिंदू शरणार्थी दिल्ली शरण लेने के लिए आए थे, उन्हें यहाँ कोई स्थान नहीं मिला। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यदि उन लोगों ने पेड़ों के नीचे और गली कूचों में न पड़े रहकर पंजाब में बीती हुई दुर्घटनाओं को स्मरण करके दिल्ली की व्यर्थ पड़ी मस्जिदों में शरण ली। मेरे विचार में इस प्रकार मस्जिदें मानवता की भलाई के लिए काम आ रही थी। गांधी जी ने निश्चय किया कि मस्जिदों को खाली कराया जाए। क्यों? वहाँ उनके रहने का दूसरा प्रबंध क्यों नहीं कराया? पहले प्रबंध करो। उन्होंने पाकिस्तान के मंदिर हिंदुओं को सौंपने की मांग क्यों नहीं की? जिससे पता चलता कि गांधी वस्तुतः अहिंसा के पुजारी है, हिंदू मुस्लिम एकता के इच्छुक है और उनमें निष्पक्ष आत्मशक्ति है। गांधी ने पूरी चालाकी की और अपने अनशन को खोलने के लिए पाकिस्तान के लिए एक भी शर्त न रखी। यदि वे रखते तो संसार देखता कि गांधी जी अनशन करते हुए स्वर्ग सिधार जाते और पाकिस्तान के एक भी मुसलमान को लेश मात्र दुख न होता। पाकिस्तान में आप कंडीशन उन्होंने अपने अनुभव से देख लिया था कि उनके व्रत का जिना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और लीग उनकी आत्मशक्ति की परवाह नहीं करती। अंत में ये कहना अनुचित न होगा कि गांधी के फूल यानी अस्थि भारत और विदेशों की बहुत सी नदियों में बहाए गए, परंतु ये अस्थि पाकिस्तान की सिंधु नदी में नहीं बहाई जा सकी। इस संबंध में पाकिस्तान में भारत के राजदूत श्रीयुत श्री प्रकाश जी का प्रयत्न निष्फल रहा। अब 55 करोड़ रुपयों की बात लीजिए। उप प्रधानमंत्री का निवेदन देखिए। गांधी जी ने स्वयं कहा है कि जो पाकिस्तान ने मांगा था पैसे उसका निर्णय बदलवाना कठिन हो जाता है, लेकिन भारत सरकार ने गांधी जी के अनशन के कारण पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए न देने का अपना निर्णय बदल दिया। गांधी जी का 21 जनवरी 1948 का प्रार्थना प्रवचन देखिए। सरकार ने 55 करोड़ रुपए न देने का निर्णय जनता के प्रतिनिधि होने के नाते किया था, लेकिन गांधी जी के अनशन ने इस निर्णय को बदल दिया। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि गांधी जी की पाकिस्तान परस्ती के आगे जनता के मत का कोई महत्व नहीं है। अपने प्रतिवृत्त के पहले खंड के पृष्ठ 143 पर न्यायमूर्ति कपूर ने उस समय वृत्त पत्रों में छपी प्रक्रिया का एक उदाहरण दिया है। अनुच्छेद 12A 45 इस प्रकार है। बंबई के साप्ताहिक नेशनल गार्डियन ने अपने 17 जनवरी 1947 के अंक में नेहरू शासन से हिंदुस्तान की घोर वंचना, पाकिस्तान ध्वंस से जो पा न सका वो गांधी जी के हट्टाग्रह से पा सका, इस शीर्षक के नीचे दिया था, अपने राष्ट्रीय जनों का जिससे नरसंहार होगा वो पैसे देने का कृत्य हम नहीं करेंगे। ऐसी गर्जना चल रही थी और सरदार वल्लभ भाई के ध्वंस को और दबाव में भीख नहीं डालेंगे, ऐसे वीरत्व के शब्द सुनने में आते थे। इतने में ही गांधी ने अनशन करके पाकिस्तान को करोड़ों रुपए देने को नेहरू शासन को बाध्य किया। 55 करोड़ प्रदान की स्वीकृति से लोग कैसे प्रक्षुब्ध थे, इसका ये उदाहरण है। मुसलमानों ने स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध किया, इसीलिए पाकिस्तान बना। जिन्होंने पाकिस्तान का पक्ष लिया उनको 5वें स्तंभ भी कहा गया है, उनकी निंदा की गई है, परंतु मेरी दृष्टि में गांधी जी ने पाकिस्तान का पक्ष सबसे अधिक लिया और कोई शक्ति उनको रोक नहीं सकी। इस स्थिति में हिंदुओं को मुसलमानों के अत्याचारों से बचाने का एक ही उपाय था कि गांधी का अंत कर दिया जाए। ओह माय
माय गॉड, क्या बोलूँ मैं स्पीच का। पहले मुझे तो ये बताओ, क्या वो ये उन्हीं की आवाज है या कोई उनकी स्पीच पढ़ नहीं, रहा कोई है? उनकी स्पीच पढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। काश ऐसा होता कि उन्होंने जो बोली थी उस टाइम वो रिकॉर्डेड होती हमारे पास, आई एम होपिंग, और वो सुनने को भी मिलती। पर आई एम श्योर कि ये जो अगर उन्हीं की आवाज़ की नहीं है और जो पढ़ रहे हैं वो वही स्पीच पढ़ रहे होंगे जो एग्जैक्टली उन्होंने बोला का, क्योंकि उस टाइम लिखने का तो रिवाज था, अगर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लिखा तो सब कुछ जाता था जैसे जैसे वो बोलते होंगे। पर देख लो, वो पूरा अपना जो उनके रीज़न है उन्होंने सारा वो बताना समझाने की कोशिश की क्या है, और उनका भी व्यू पॉइंट तो देखो कि भाई मैं भी अभी सोच रही, अभी भी क्या, पहले भी मैं सोचती थी कि गांधी जी जब करते थे कि मैं अनशन कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, और उसकी वजह से सारे लोग मानते थे, तो जब पाकिस्तान बन रहा था तो उन्होंने क्यों नहीं अनशन करके कहा नहीं पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, हम अपने हमारी हमारी धरती के दो टुकड़े नहीं होंगे। यहाँ पे तो उल्टा वो कह रहे हैं कि दे कर, कर, कर हाँ हो जाए, उसके बाद पैसे भी दे दिए। वही मिस्टर गोडसे कह रहे हैं कि अगर आप कहते हैं कि आप जीत गए, वो कह रहे हैं अगर गांधी गांधीवादी जो हैं अगर वो कहते हैं कि हम जीत गए, तो जो हार गया बंदा, ब्रिटिश हार गया, उसकी कैसे हिम्मत की वो बताए तुम्हें कि तुम सेपरेट करो, कि तुम उधर बांग्लादेश, मतलब उधर तुम हार के जा रहे हो, जो हार के जा रहे हो तो बोल ही नहीं सकता। तुम वो जो बंदा हार गया उसकी उसकी हिम्मत की वो बताए कि वेस्ट पाकिस्तान तुम यहाँ बनेगा, वहाँ ईस्ट पाकिस्तान बनेगा, उसमें और तुम मानी जा रहे हो उनकी बातें जब वो हार चुके हैं। यही क्वेश्चन था कि तो क्या अगर तुम, क्या तुम एक्चुअली जीते हो? अगर जीते हो तो वो हारा हुआ इंसान क्या मांगेगा? एग्जैक्टली। और इनके हिसाब से यही है कि गांधी जी इसे रोक सकते थे। रोक सकते थे, ये कह रहे हैं कि गांधी जी रोक सकते थे। मैं भी मानती हूं रोक सकते, इनफैक्ट ऑपोजिट कार्य किया इनके हिसाब से, कि ऑपोजिट कार्य किया कि ये दे दो वो कर दो मस्जिदें जो वो मस्जिद में, मुझे बताओ वो बोल रहे हैं कि अगर लोग वहां पे हिंदू जो आए हैं जो उधर से आए हैं उनको खाली मिली तो वहां चले गए, खाली मस्जिदें थी, अगर वो रह रहे हैं तो उन्होंने क्यों उनको निकाला, मुझे भी समझ नहीं आ रही। अगर पहले से तुमने कोई अरेंजमेंट, यहाँ पहले अरेंजमेंट करते, ये बोलो देखो ये मस्जिदें खाली हो गई हैं, एग्रीड, यहाँ पे तुम उधर से आए हो, यहाँ रुक गए हो, तुम्हारे लिए यहाँ अरेंजमेंट कर लिया, अरेंजमेंट करो फिर तुम्हारे क्यों निकाला है। काफी सारी बातें थी और बहुत गलत है। अब ये डिबेट की बात है, परंतु जो स्पीच बता रहे हैं उसमें कुछ वैलिड पॉइंट्स तो नजर आ रहे हैं। तो वीडियो तो बहुत ही अच्छा है जिसमें उनके थॉट्स, बहुत अच्छी बात है कि उनके थॉट्स भी पता चल रहे हैं लोगों को, कि वो उन्होंने, और वो कह भी रहे हैं कि मुझे, उन्होंने कहा था कि मुझे पता है कि मेरे इस एक्शन से मेरे को बहुत ही बुरा माना जाएगा, वो सब उन्होंने बोला कि मेरे ऊपर कैसे होगा हिस्ट्री में, मतलब इनडायरेक्टली वो बता रहे हैं कि कैसा मैं दिखाया जाऊँगा, और फिर उन्होंने ये जो है स्पीच शुरू की। और चलिए अच्छा है कि आप हमें जो है दोनों साइड के पॉइंट्स नजर आए हैं, इसीलिए मूवी भी एक बन रही है जो रिलीज हो वो गई जरूर है। बताना बिल्कुल। तो अल्टीमेटली दोनों साइड के पॉइंट्स सामने आ रहे हैं कि मतलब क्या इनके पॉइंट्स थे और जिसकी वजह से उन्होंने जो भी किया कार्य किया। तो अभी आगे इनका पार्ट देखेंगे कि आगे ये क्या बताते हैं, पर सुन के दुख भी हो रहा है कि एक ऐसा सिचुएशन आ गई और ये सब ब्रिटिशर्स की आगधरा, जिस वजह से डिवाइड करके चले गए, जिसको हम अभी तक भुगत रहे हैं, अभी तक भुगता जा रहा है, कंट्री भुगत रही है, और वो तो हर न्यूज़ में पता ही चलता है। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।